टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री का वही भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए बहुत बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। तो पिछले क्लास में हम बात किए थे, पिछले वीडियो में हम बात किए थे ट्रायंगल का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पिछले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैं इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली सेट सीरीज के रूप में मैं आपको मैथ का, साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के बाद मैं सब्जेक्टिव देने वाला हूँ, जो आपको बहुत बहुत क्या हेल्पफुल होगा। और यह टारगेट लेकर चलते हैं कि आप बहुत से अच्छे से नंबर से सक्सेस होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है टेन पाई बाई टू का मान क्या होता है। तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 बाई टू का मतलब किया हुआ 90 डिग्री, और टेन 90 का मान कितना होता है, टेन 90 का मान होता है आपको अनंत, यानी कि ऑप्शन डी सही है। टू में दिया है 1/√3 बराबर है, 1/√3 किसके बराबर है, तो देखिए इसमें किसका मान जो है 1/√3 होता है, तो टेन 60 का मान जो है 1/√3 होता है, टू का डी नंबर। तीन में दिया है sec²θ - 1 कितने बराबर होता है, sec²θ - 1 tan²θ का क्या होता है, बराबर होता है। फोर में दिया है sin π/4 - cos π/4 का मान कितना होता है, तो sin π/4 का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि sin π/4 का मतलब, sin π/4 का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो sin π/4 मतलब होता है sin 45 - cos 45, दोनों क्या हो गया सेम, तो दोनों सेम का सेम कितना होता है 0, यानी कि ऑप्शन में कितना आ जाएगा बी। पाँच में दिया है यदि a + b = 90 डिग्री तो cos a का मान क्या होगा। फाइव में दिया है तो ऐसे करेंगे इसको हल कि a + b = 90 डिग्री दिया है, तो हमसे a पूछ रहा था, a बराबर हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा b। इधर हम क्या लगाते हैं, cos लगाते हैं, इधर भी हम क्या करते हैं, cos लगाते हैं, तो cos इंटू 90 - θ क्या होता है sin θ, यानी साइन बी हो जाएगा। तो फाइव का आंसर क्या हो जाएगा sin b। सिक्स में दिया है यदि 3θ = 90 डिग्री तो cos θ का मान क्या होगा। तो 3θ = 90 दिया है तो θ बराबर क्या हो जाएगा 90/3, और 90/3 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी कि सिक्स का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सेवन में दिया है 1+tan²θ का मान क्या होता है, तो 1+tan²θ आपको sec²θ क्या होता है, बराबर होता है। एट में दिया है 1/√3 किसका मान है, तो इसमें देखिए 1/√3 किसका मान है, तो tan π/6, क्यों, पाई का मतलब कितना होता है 180, पाई का मतलब कितना होता है 180, और यहाँ पर दिया 6 tan 60, तो tan 60 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। नाइन में दिया है यदि √3 cosec θ = 2 तो θ का मान क्या होगा, तो θ बराबर हो जाएगा cosec θ, cosec θ बराबर हो जाएगा 2/√3, और cosec की कितने डिग्री में 2/√3 होता है, तो cosec के 60 डिग्री में होता है। दस में दिया है 1+tan²θ / cosec²θ किसके बराबर है, तो 1+cos²θ आपको ऐसे हो जाएगा 1+tan²θ, तो 1+tan²θ क्या होता है sec²θ, ठीक, और cosec²θ तो cosec²θ ही है, और sec²θ को बदलेंगे तो कितना 1/cos²θ, यानी 1/cos², और cosec का हो जाएगा 1/sin, ठीक, sin ऊपर चला जाएगा cos नीचे आ जाएगा, तो sin / cos क्या होता है tan, sin / cos क्या होता है tan,
तो टेन का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि बी नंबर, यहाँ पर डी होगा, डी होगा। 11 में है यदि रूट दू कॉस थीटा बराबर वन तो थीटा का मान क्या होगा, रूट दू कॉस थीटा बराबर वन तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा यानी कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वन बाई रूट टू हो जाएगा। और कॉस कितना डिग्री में, 1/√3 होता है तो 45 डिग्री होता है। 12 में है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 cot² θ बटा 1 tan² θ बराबर होता है, बराबर होता है। तो 1 cot² θ क्या होता है, cosec² θ है, ठीक। और 1 tan² θ क्या होता है, sec² θ। तो sec का उल्टा क्या होता है, cos, और cos और cosec का क्या होता है, sin। तो cosec बटा sin क्या होता है, cot स्क्वायर है तो क्या लगेंगे, स्क्वायर। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। 13 में दिया यदि साइन थीटा बाई 3/5 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा का क्या होता है, बी बाई एच। तो यहाँ पर 3/5 दिया है तो बी कितना हो जाएगा, बी यहाँ पर आएगा 4, लंबे स्क्वायर पर इसका आधार पर निकालने तो 4 हो जाएगा, और कॉस थीटा बी बाई एच यानी 4/5। ये 13 का ऑप्शन नंबर ए। 14 में दिया है, 14 में दिया है 9 sec² θ माइनस 9 tan² θ बराबर है, 9 sec² θ माइनस 9 tan² θ। तो 9 को हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, यह बच जाएगा sec² θ माइनस 10 square θ। तो 9 × sec² θ माइनस 10 square θ कहते हैं 1, तो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन में कितना आ जाएगा, बी। 15 में दिया है 2 sin 38 degree बट्टा cos 52 degree मान कितना हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को sin 38 cos 52 हो जाएगा 1, एंड 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर ए। 16 में दिया था 10 θ/√3 तो थीटा का मान क्या होता है, टेन के कितने डिग्री में √3 होता है, तो टेन के 60 degree में क्या होता है, √3 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 17 में दिया है cos 60 degree + 1/cos 60 degree - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका वैल्यू भरेंगे, वैल्यू भरने के बाद आपको आ जाएगा -√3। 18 में दिया है tan 60 degree का मान क्या होगा, तो tan 60 degree का मान कितना होता है, √3 होता है। 19 में दिया है sin 18 degree / cos 72 degree, तो यहाँ पर देखिए कि sin 18 72 कितना होता है, 90, और साइन का पूरा कोण में 90 होता है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो दोनों कटेगा तो कितना आ जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा आंसर 1 आता है। 20 में दिया टेन ए बराबर है, तो टेन बराबर हम लोग कहते हैं cot × 90 - a क्या होता है, टेन ए। 21 में दिया यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर पी बाई बी दिया है, सॉरी पी बाई एच दिया है, हम क्या निकालेंगे, बी, बी निकालेंगे तो हो जाएगा 16 - 9 √√, तो √√ कितना आ जाएगा, 7, और कॉस पर क्या आता है, √7 आएगा, तो बी बाई एच, एच कितना है, 4, यानी कि 7/4 आ रहा है, तो 21 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 22 में निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है, तो कॉस 90 का मान जो है 0 के बराबर होता है। 23 में दिया यदि कॉस ए बराबर 3/5 तो टेन ए बराबर क्या, फिर वही बात, तो यहाँ पर बी बाई एच दिया है, हम पी निकालेंगे, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 4 आएगा, कर्ण स्क्वायर लंबे स्क्वायर आधार फार्मूला पे, तो टेन बराबर हो जाएगा 4, और फार्मूला निकाले तो हो जाएगा पी बाई पी पी बाई बी, बी कितना है आपका 3, तो यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर ए। 24 में दिया है यदि sin 42 degree = a cos 42 degree = b तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो sin 42 degree का मान क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं a² sin² 42 degree, इधर से करते हैं b² cos² कितना 42 degree, अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा a² + b² साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री कितना होता है, 1, ठीक।
अब हम बी स्क्वायर बराबर करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस ए स्क्वायर, वन माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 24 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए कितना जाएगा, ए 25 में दिया है। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है। छब्बीस नंबर, 26 में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा जब दिया है तो हम जब कॉट थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट तीन, रूट तीन, और कॉट के कितने डिग्री में रूट तीन होता है, तो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो टेन का 30 होता है 1/√3, यानी कि कॉट का उल्टा 30, यानी कि 30 डिग्री में। 27 में दिया है यदि सेक ए बराबर, यदि सेक ए बराबर 5/3 तो टेन ए का मान क्या होगा, यदि सेक ए बराबर 5/3 तो टेन ए का मान क्या होगा, तो सेम वही बात यहाँ पर, सेक का मान दिया है, सेक का मान दिया है एच बाई एच, कितना दिया है, एच बराबर दिया है 5, बी बराबर दिया है 3, तो पी निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 के स्क्वायर में 4 आ जाएगा, और टेन आएगा पी बाई बी, पी बाई बी, तो पी कितना है 3, यहाँ पर सेक में बीन होता है, ये बी है आपका, ये क्या है आपका बी है, ये क्या है आपका पी है, तो टेन में होगा तो पी बाई बी, तो पी कितना है 4 है, पी 4 है और बी कितना है 3 है, 4/3 हो जाएगा। इन 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4/3। 28 में दिया है टेन स्क्वायर थीटा निम्नलिखित किसके बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा जो है इसके बराबर, क्यों, कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता है। 29 में दिया है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3/4, इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो इस तरह क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हो जाएगा 2x+3x+4x बराबर कितना करेंगे, 180, तो 2 3 5 4 9x हो जाएगा, 9x बराबर 180 होगा, तो x बराबर कितना आएगा हमारा, 20 आएगा, 20 आएगा। अब सबसे छोटा कोण कौन है, सबसे छोटा कोण 2 है, तो 2 से 20 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, 20 दूना 40 डिग्री, इसलिए हो जाएगा 40। 30 में दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। 31 में दिया है व्यंजक 1 - cos^4 थीटा का मान क्या होगा, ठीक, तो 1 के स्क्वायर - cos^4 को टूटेगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक, तो 1 + cos^2 थीटा तो फार्मूला नहीं होता है, तो 1 + cos^2 थीटा फार्मूला नहीं होता, तो वो तो हो जाएगा 1 + cos^2 थीटा इतना ही रहेगा, लेकिन 1 - जो cos^2 थीटा आया है ये क्या बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, तो हो जाएगा sin^2 थीटा इंटू 1 + cos^2 थीटा, ठीक है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन में कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। 32 दिया निम्नलिखित में से कौन टेन ए के बराबर है, तो टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 को रूट में करके हो जाएगा बी। 30 में दिया साइन थीटा बराबर है, तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा, 1/cosec थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 34 में दिया साइन सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 + cos^2 32 का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखते हैं कि थीटा जब दोनों क्या है, सेम है, थीटा दोनों सेम है, तो सेम थीटा होता है तो फॉर्मूला साइन और कॉस में क्या होता है, 1 होता है, इसलिए बी हो जाएगा। 35 में दिया है
ए कॉस थीटा बराबर 1, बी साइन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/b आएगा, और यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/a आएगा। ए चला जाएगा ऊपर, बी आ जाएगा नीचे, ए बाई कितना आ जाएगा, बी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 15 का बी नंबर। 36 में दिया है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा? तो यह 54 और 36 का जोड़ कितना होता है जी, 90 होता है। तो साइन के पूरक में कॉस होता है, साइन के पूरक में कितना है, कॉस। तो किसी एक को बदलेंगे तो सेम आएगा एंगल, उससे कंडीशन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 36 ऑप्शन नंबर सी। 37 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कौन सा होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। निम्नलिखित में कौन साइन 72 का मान होता है? साइन 72 का मान क्या होगा? तो साइन 72 को अगर साइन इंटू 90 माइनस 72, जब हम क्या लिखेंगे, 18। ठीक, तो साइन इंटू 90 थीटा का कॉस थीटा यानी कॉस 18 डिग्री के मान के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 में साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है? तो साइन थीटा का अंतिम यानी साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। 40 में दिया है यदि टेन थीटा और 5/12, तो साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच, पी है पी बाई एच, तो पी कितना है, 5 है। पी कितना है, 5 है, यहाँ पर पी बाई बी दिया है, पी बाई क्या दिया है, बी दिया है। तो हम एच निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 और 12 का स्क्वायर, 5 और 12 का स्क्वायर आपको 13 आएगा। एच बराबर कितना आ जाएगा, 13 आएगा। तो पी बाई एच होता है, तो पी हो गया 5 और एच हो गया 13, 5/13। यानी ऑप्शन 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 में दिया यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा और कॉस थीटा का किस डिग्री पर मान बराबर होता है, हमेशा 45 डिग्री पर क्या होता है, बराबर होता है। 42 में दिया है यदि साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन के कितने डिग्री में 1/2 होता है, 30 डिग्री में होता है। 42 का ऑप्शन नंबर डी। 43 में दिया है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें से किसके बराबर है? तो हम क्या करेंगे, मान भर देंगे, 2 × tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, और 1 प्लस 10 30 का 1/√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये करेंगे। इसको हल करते हैं तो आपका आएगा 2/√3, 2/√3 इंटू 3/4, इससे ही कट जाएगा, और √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा उस पर √3, √3 कितना आएगा, 2। अब बताइए √3/2 इस ऑप्शन में किसका मान है, तो साइन 60 डिग्री के मान है। 44 में है 1 − 10² 45 डिग्री बट्टा 1 + 10² 45 डिग्री मान क्या होगा? तो 1 − 10² 45 मान कितना होता है, 1, और नीचे भी है 1 + 1, तो 1 में से 1 गया 0, 0/1 कितना होता है, 0, 0/1 का मतलब कितना होता है, 0/1 का मतलब कहते हैं 0। तो कितना हो जाएगा, तो 0 का मान 0, ऑप्शन नंबर डी। या ठीक है, टेन नंबर का मान इन्फिनिटी होता है, तो 0 हो गया। 45 में साइन 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। तो साइन 2a = 2a सत्य होता है जब 0 का मान a का मान क्या होगा, 0 होगा। 46 में 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो 2 tan 30 का मान भरेंगे फिर 1/√3 बट्टा 1 − 1/√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आपका आ गया 2/√3, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3 में से 1 गया 2/3 आएगा, 3/2 हो गया, 2 2 कैंसिल, और √3 से √3 कैंसिल, यानी हो गया बस क्या, √3। और √3 किसका मान में होता है, √3 किसका मान होता है, टेन 60 डिग्री के मान, इसलिए हो जाएगा टेन 60 का √3 मान होता है। 47 में दिया है 1 + tan थीटा + sec थीटा
इंटू वन प्लस को थीटा माइनस को सेक थीटा बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है, 2 आता है, क्योंकि ये बहुत लंबा होगा, ये पेज पर हटेगा नहीं, तो इसका सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। 48 में सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए किसके बराबर है, तो सेक ए प्लस टेन ए को ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई तोड़ देंगे तो आपका आंसर आता है कॉस ए। कितना आएगा, कॉस ए। कैसे आएगा, आप एन सी आर टी के मैथ में हल किए होंगे या मैं हल करके दिखाता हूँ। सेक ए का वन बाई कॉस ए लिख दीजिएगा और टेन ए का साइन ए बाई कॉस ए लिख दीजिएगा, नहीं हो जाएगा। और वन माइनस साइन ए, साइन ए ही रहेगा, अब इससे इससे गुणा हो जाएगा, वन माइनस साइन ए या वन प्लस साइन ए, तो वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए तो हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा कॉस कॉस ए। ठीक, तो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए नहीं होता है, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए कटेगा, तो कितना आ रहा है आपका, कॉस ए ही नहीं आ रहा है। 49 में है, 49 में वन प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा वन प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर है, और वन प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। तो ये ऊपर जाएगा तो साइन बनेगा, नीचे तो कॉस बनेगा, साइन स्क्वायर कॉस टेन होता है। 50 में दिया है कि कॉस के पावर फोर ए माइनस साइन के पावर फोर ए किसके बराबर है, कॉस के पावर फोर ए माइनस साइन के पावर फोर ए, तो इसको सोल्व करने तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के पावर दो माइनस और साइन स्क्वायर के पावर दो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी, तो नीचे बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बचा। अब यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर ए प्लस हो गया वन, वन तो वन हो गया, अब बचा है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बचा है, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया माइनस, इसको बदल लेते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करने क्या आएगा, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए या माइनस या तो प्लस में है तो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, यानी कि 50 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए रहा आपका क्लास 10th का VVI त्रिकोणमिति चैप्टर, और भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति का चैप्टर दे दूंगा, तब तक 50 ही हल किए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट से लिख के नाइस, और मेरी वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो उसको भी आप लोग बताइए, तभी मैं आपको और भी बेस्ट सजेशन से दे सकता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।